नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, हर तरफ चीख पुकार मची हुई और अभी तक इस वायरस से चीन में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर तेजी से दुनिया भर में फैलता जा रहा है। चीन में अब तक इससे कुल 45,000 लोग प्रभावित हैं। इसी बीच चीन से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने वाले पायलट ने वुहान की खौफनाक दास्तान बताई। भारतीय पायलट की माने तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, चमकीली सड़कों पर डर का साया था, एयरपोर्ट को हवाई जहाजों के साथ बंद कर दिया गया था। वहां के दृश्य ऐसे थे जैसे ये कयामत का दिन। आपको तो पता ही है कि इसी महीने की शुरुआत में एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान ने चीन के वुहान से भारतीयों को लाने के लिए दो आपातकालीन उड़ाने भरी। इन भारतीयों में ज्यादातर छात्र हैं। वुहान में खतरनाक कोरोना वायरस फैलने के बाद वहां पूरे शहर को बंद कर दिया गया था ताकि वायरस फैलने से रोका जा सके। इसलिए भारतीयों को वहां से निकालने का फैसला किया गया और इसके लिए एयर इंडिया के दो विमान भेजे गए थे। एयर इंडिया का ये विमान पहली उड़ान में 324 लोगों को और दूसरे दिन दूसरी उड़ान में 323 लोगों को भारत लाया, जिसमें 7 लोग मालदीव के थे। एयर इंडिया के सीनियर पायलट और ऑपरेशन डायरेक्टर कैप्टन अमिताभ सिंह को इस पूरे ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने ही इसकी योजना बनाई और इस ऑपरेशन को संपन्न किया। इस अभियान में वे अपने डबल डेकर विमान में बतौर एग्जीक्यूटिव कमांडर तैनात भी थे। कैप्टन की माने तो वुहान जाने से ठीक एक दिन पहले एयर इंडिया को बताया गया कि वहां फंसे भारतीयों को बचाने के लिए उड़ान भरनी, आपातकालीन उड़ान की तैयारी की गई। क्योंकि एयर इंडिया हमेशा इस तरह के ऑपरेशन में शामिल रही, इसलिए सौभाग्य से हमारे पास एक टीम है जो हमेशा तैयार रहती। हमें बस टीम को सूचित करना था कि इस ऑपरेशन पर चलना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती चालक दल के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए वीजा सुनिश्चित करना था। जब सब कुछ ठीक हो गया तो भारतीय विमान ने उड़ान भरी। कोरोना वायरस से ग्रसित वुहान के यात्रियों को इकोनॉमी सेक्शन में, डॉक्टरों और इंजीनियरों को प्रथम श्रेणी के केबिन में, जबकि शेष चालक दल को विमान के ऊपरी डेक में बिठाया गया। बीमार यात्रियों के साथ कम संपर्क हो, इसलिए टीम ने यह भी निर्णय लिया कि वुहान में उड़ान भरने से पहले सीटों पर पानी की बोतलें और खाने के पैकेट रख दिए जाएं। पूरी टीम तैयारी के साथ 31 जनवरी को वुहान के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि जब हम वुहान शहर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। शहर में मरघट जैसा सन्नाटा था। जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर से हमने देखा तो तेज चमकदार सड़कें तो दिखाई दी, लेकिन उन पर ना तो कोई आदमी था और ना ही वाहन नजर आ रहे थे। यहां तक कि वुहान एयरपोर्ट पर भी अंधेरा था और कोई हरकत नहीं हो रही थी। सारे जहाज बंद खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आ गई। वुहान एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद टीम कई घंटे तक वहां रुकी रही। भारतीय इंजीनियरों ने विमान को डिपार्चर के लिए तैयार किया। तब तक भारतीयों को एयरपोर्ट तक लाया जा चुका था। एयरपोर्ट पर ही सभी यात्रियों की कई लेवल पर जांच की गई। जब भारतीय लोग हमारे पास आए तो चेहरे पर डर था, लेकिन जब वे विमान में बैठ गए तो उनके चेहरे पर राहत दिखने लगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है वुहान का और कैसे हैं वुहान के लोग।